Hello again. So I'm back with another lesson, another part of the previous video that we were doing. ठीक है? तो आप continue करते हैं अपना पिछला lesson जो हम preposition का जो कर रहे थे. पहले last class में मैंने आपको in से लेकर above तक सिखा दिया था. अब शुरू करेंगे round और around से. तो round और around अगर आप picture में भी देखें, तो अगर आपके कोई भी चीज अतराफ में है, यानी चारों तरफ जो आपके चीजें होंगी वो आपके अराउंड होंगी. लाइक फॉर एग्जाम्पल, द सोफास आर अराउंड मी, यानी सोफा है या काफी सारे जो सोफे हैं वो मेरे अराउंड हैं, अतराफ में हैं. और एक और भी मिसाल मैं आपको दूं, सम चिल्ड्रन playing around me, some children playing around me, यानी कुछ बच्चे मेरे अतराफ में खेल रहे हैं, यानी मेरे चारों तरफ खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, whatever. तो वहां पर मैं यूज करूंगा अराउंड. तो अगर इस पिक्चर की मिसाल लें, the rat balls are around the black ball. ओके जी, तो ये तो हो गया अराउंड. नेक्स्ट वन है हमारे पास थ्रू. थ्रू मीन्स होता है किसी भी चीज के जरिए से कोई काम हो जाना, किसी भी चीज के जरिए से कोई काम हो जाना, तो वहां पर हम यूज करते हैं थ्रू. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक मिसाल दूं आपको कि द बॉल वेंट इनसाइड द हाउस थ्रू द विंडो, यानी बॉल कमरे के अंदर आ गई खिड़की के जरिए, बॉल कमरे के अंदर आ गई. तो अगर किसी भी चीज के जरिए से अगर कोई काम होगा तो वहां पर हम यूज करते हैं थ्रू. लाइक तो इसी के अगर मैंने अभी आपको मिसाल बताई, द बॉल वेंट इनसाइड द रूम और द हाउस थ्रू द विंडो. ठीक है, यानी खिड़की के जरिए से, तो वहां पर हम यूज करते हैं थ्रू. ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास अमंग. अमंग मीन्स होता है कि दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान मौजूद होने को हम अमंग यूज करते हैं. तो यहां पर हम इसी बॉल की मिसाल ले सकते हैं, द रेड बॉल इज अमंग द ब्लैक बॉल. ओके, अगर हम इसको अपनी डेली रूटीन के हिसाब से लें तो हम ये कह सकते हैं, I was present at party among my friends. यानी मैं पार्टी में अपने दोस्तों के साथ था. ठीक है, तो वहां पर हम अमंग यूज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास बिटवीन. बिटवीन मीन्स होता है किसी भी दो चीजों के दरमियान मौजूद होना. तो यहां पर हम कह सकते हैं, द रेड बॉल इज इन द बिटवीन ऑफ टू ब्लैक बॉल्स. ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास बिहाइंड. बिहाइंड मीन्स होता है किसी भी चीज के पीछे होना. अगर हम किसी भी चीज के पीछे होने की पोजीशन को शो करेंगे तो वहां पर हम यूज करेंगे बिहाइंड. ओके, जैसे अगर हम इसकी मिसाल लें, The rat ball is behind the box. Next one है हमारे पास in front of. तो ये भी बिल्कुल सेम है. उसका अगर हम उल्टा कर दें, उसके सामने मौजूद हो, यानी किसी कोई भी चीज अगर किसी भी चीज के सामने मौजूद होगी तो वहां पर हम यूज करेंगे in front of. तो अगर जैसे मेरे सामने अभी मेरा लैपटॉप है, तो मैं कहूंगा माई लैपटॉप इज इन फ्रंट ऑफ मी. तो अगर हम इस पिक्चर की मिसाल लें, The rat ball is in front of the box. ठीक है, तो इस तरीके से हम in front of, behind यूज करते हैं. फिर नेक्स्ट वन है हमारे पास along. Along means होता है कि कोई चीज अगर किसी चीज की जो जहां जहां जा रही है वहां वहां जाए, यानी कोई चीज अगर किसी चीज को follow करे, यानी जहां जहां वो जा रही है वहां वहां वो जाए, तो वहां पर हम यूज करते हैं along. तो जैसे अगर हम यहाँ पिक्चर में देखें, The rat ball is moving along the road. यानी जो बॉल है वो मूव कर रही है रोड के साथ साथ, यानी जहां जहां रोड जा रहे हैं वहां वहां बॉल जा रही है, तो वहां पर हम यूज करेंगे along. नेक्स्ट वन है हमारे पास across. Across means होता है एक पार से दूसरे पार आना जाना. ठीक है, यानी अगर आप एक पार से दूसरे पार आएंगे जाएंगे तो वहां पर हम यूज करेंगे across. तो अगर यहां पर हम यूज करना चाहें, द बॉल इज मूविंग
The ball is moving across the road. The ball is moving across the road. Ball road ke aar paar move kar rahi hai. Next one hai up and down. Up and down bahut easy hai ke koi bhi cheez agar upar ja rahi hogi to wahan pe use karenge up aur koi bhi cheez agar niche aa rahi hogi to wahan pe use karenge down. The ball is going upstairs. The ball is going upstairs. Stairs means hota hai zina. The ball is moving upstairs. Ball move karti hui upar zine ke upar ja rahi hai. The ball is going downstairs. Yani ball jo hai wo niche aa rahi hai move karti hui zine se. Theek hai? To wahan par hum up and down use karte hain. Next one hai hamare paas opposite. Opposite means होता है किसी भी चीज़ के मुखालिफ सिम्त में, यानी अगर कोई ईस्ट में है तो हम हमारा मूव वेस्ट में होगा. तो अगर कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के अपोजिट है, यानी एक दूसरे के मुखालिफ सिम्त में है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपोजिट. तो यहाँ पर अगर हम पिक्चर के मुताबिक यूज़ करें, टू रेड बॉल्स आर अपोजिट टू ईच अदर. टू रेड बॉल्स आर अपोजिट टू ईच अदर, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं अपोजिट. ओके, नेक्स्ट वन है ऑन टू. ऑन टू मीन्स होता है किसी भी चीज़ के ऊपर आ जाना, किसी भी चीज़ के ऊपर यानी ऊपरी सतह को छू लेना, लेकिन मूविंग पोजीशन में. यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी चीज़ मूव करवाता हुआ, यानी वो हरकत करती हुई आएगी. देखिए ऑन और ऑन टू में यही फ़र्क है कि ऑन में कोई भी चीज़ पहले से रखी हुई थी और ऑन टू में हम मूव करती हुई या मूव करती हुई कोई भी चीज़ ऊपर किसी भी चीज के आ जाएगी, तो वहां पर हम यूज करते हैं ऑन टू. तो अगर मैं इसकी पिक्चर की मिसाल लूं, द रैट बॉल जम्प्ड, द रैट बॉल जम्प्ड ऑन टू द बॉक्स, द रैट बॉल जम्प्ड ऑन टू द बॉक्स, यानी द रैट बॉल ने बॉक्स के ऊपर जम्प कर ली. ओके, तो ये था पार्ट टू. अब लास्ट पार्ट के साथ आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में. So take care and see you.